यूएस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू हो गई हैं। 20 जनवरी को आयोजित हो रहे शपथ ग्रहण समारोह में कई मशहूर हस्तियों को भी न्योता भेजा गया है, जिनमें अमेरिका की मशहूर सिंगर और राइटर लेडी गागा को भी शामिल किया गया है, जो इस कार्यक्रम में अमेरिका का राष्ट्रगान गाएंगी। जिस बात की जानकारी बाइडेन इनॉग्रल कमेटी के ट्विटर हैंडल की ओर से दी गई है। वहीं जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में हॉलीवुड स्टार जेनिफर लोपेज के शामिल होने की बात सामने आई है, लेकिन उनकी समारोह में क्या भूमिका होगी ये बात की पुष्टि नहीं की गई है। लेडी गागा की बात करें तो वो इससे पहले अमेरिकन फुटबॉल गेम सुपर बॉल 50 में भी अमेरिकी राष्ट्रगान परफॉर्म कर चुकी हैं, जिसकी जानकारी खुद बाइडेन की इनॉग्रल कमेटी ने अपने ट्विटर हैंडल से दी है। जिसके बाद गागा अमेरिका के सबसे बड़े समारोह का हिस्सा बनकर एक और इतिहास रचेंगी। रिपोर्ट की माने तो वे अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान बाइडेन के कैंपेन का हिस्सा रही हैं। चुनाव के एक दिन पहले गागा वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया के कैंडिडेट बाइडेन के साथ नजर आई थी। वहीं कम ही लोग इस बात को जानते हैं कि जब बाइडेन उपराष्ट्रपति पद पर थे तब वे लेडी गागा के अवेयरनेस कैंपेन इट्स ऑन अस का हिस्सा रहे थे, जिस कैंपेन का मकसद कॉलेज में होने वाली सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में लोगों को जागरूक करना था। वहीं अगर हम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह की बात करें तो उस दौरान अमेरिकन सिंगर जैकी इवांचो ने नेशनल एंथम गाया था, जिसके बाद अब जो बाइडेन की इनॉग्रेशन सेरेमनी में इंटरनेशनल सिंगर लेडी गागा को यह अवसर प्रदान किया गया है। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल तर्कश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। We'll be right back.